प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश दलीय प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का चाहे कोई सा भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों के अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। इन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। विशेषकर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। साधारणतया एक देश के विधान या कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता है, किंतु व्यवहार में दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी है जितना कि विधान या कानून। वैसे तो विश्व के सभी देशों में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व है, किंतु ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व है। आधुनिक समय में ब्रिटिश संविधान का विकास जिन दिशाओं में हो रहा है, वह राजनीतिक दलों का ही परिणाम है। ब्रिटिश संविधान के सभी लेखकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि दल प्रणाली ब्रिटिश राजनीतिक जीवन की आधारशिला है। ब्रिटेन में जिस प्रकार ब्रिटिश संसद को समस्त संसदों की जननी कहा जाता है, उसी प्रकार ब्रिटिश दल प्रणाली समस्त दलीय प्रणाली की जननी है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के अंकुर उस समय देखे जा सकते हैं जब 17वीं सदी के प्रारंभ में राजा और राजसत्ता के समर्थक कैविलियर्स तथा धार्मिक सहिष्णुता और संसद के समर्थक राउंडहेड्स कहलाते थे, जिन्हें आज की भाषा में राजतंत्रवादी और गणतंत्रवादी कह सकते हैं। संसद की सर्वोच्चता निश्चित रूप से स्थापित होने के बाद इन दलों के नए नाम टोरी और विंग पड़ गए। सन 1832 के सुधार अधिनियम के पारित होने के बाद इन दलों के नाम अनुदार दल और उदार दल हो गए। अनुदार दल स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक था, लेकिन उदार दल शासन पद्धति, उद्योग तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधार का समर्थक था। 20वीं सदी में मजदूर दल के उदय से ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति के स्थान पर त्रिदलीय व्यवस्था हो जाएगी, किंतु मजदूर दल की शक्ति के बढ़ने के साथ साथ उदार दल का पतन प्रारंभ हो गया और ब्रिटिश जो दल प्रणाली में दो ही दलों का प्रभुत्व बना रहा। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश दलीय प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि मैंने अपने अभी कहा कि वहां पर दो दल ही प्रधान रूप से रहे हैं, पहले अनुदार दल और उदार दल, और बाद में जब 20वीं सदी में मजदूर दल आया तो उदार दल का पतन प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार ब्रिटिश जो राजनीतिक प्रणाली में दो ही दल प्रमुख रहे हैं। यद्यपि विधितः वहां दो से अधिक राजनीतिक दलों का गठन किया जा सकता है और व्यवहार में दो से अधिक दल हैं भी, किंतु 6 दशक के आम चुनावों में 10 से अधिक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, लेकिन लंबे समय से शासन की शक्ति दो में से किसी एक दल को ही प्राप्त होती रही है और दो दलों का ही देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इस दलीय प्रणाली को द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में क्या कारण है कि वहाँ दो द्विदलीय प्रणाली ही ज़्यादा प्रमुखता से है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन में यूरोप के अन्य देशों के समान राष्ट्रीयता, धर्म और भाषा की समस्याएं नहीं हैं जो देश को खंडित करती हैं, और जिन्होंने फ्रांस तथा इटली जैसे देशों में बहुदलीय प्रणाली को जन्म दिया। इसी प्रकार ब्रिटेन में यूरोप के अन्य देशों की भांति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं, वरन साधारण बहुमत की प्रणाली और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है। इसी कारण छोटे छोटे राजनीतिक दलों का विकास नहीं हो सका। तो ये सब कारण रहे ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था के विकास के।
दूसरी जो विशेषता है वो है सुदृढ़ संगठन और केंद्रीकरण। ब्रिटेन के राजनीतिक दल बहुत अधिक संगठित और केंद्रीकृत हैं। संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में निकट संपर्क होता है। इससे सुदृढ़ केंद्रीकृत राजनीतिक दलों के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रिटिश राजनीतिक दलों की वास्तविक शक्ति दल के शीर्ष संगठन में निवास करती है और वहीं से दलीय क्रियाकलापों का नियंत्रण और संचालन होता है। ब्रिटेन में नीचे से ऊपर तक राजनीतिक दल एक सूत्र में बंधा रहता है। तीसरा है कठोर दलीय अनुशासन। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों में कठोर दलीय अनुशासन होता है। इसी कारण ब्रिटिश लोक सदन में दलीय सचेतकों की व्यवस्था की गई है जो दलीय नेता के साथ संपर्क रहते हुए सदस्यों को निर्देश देते रहते हैं और सदस्यों के लिए निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। न केवल अमेरिका वरन अन्य देशों के राजनीतिक दलों की तुलना में भी ब्रिटिश राजनीतिक दल निश्चित रूप से अधिक अनुशासित हैं। चौथा है नेता की सर्वोच्च स्थिति। सभी देशों में राजनीतिक दलों में दलीय नेता का महत्व होता है, किंतु ब्रिटेन में यह महत्व सर्वोपरि है। ब्रिटेन में जब चर्चिल अथवा एटली, ब्रेचर अथवा फुट और जॉन मेजर अथवा नील किनॉक, टोनी ब्लेयर अथवा विलियम हेग और टोली बिलियर अथवा माइकल हावर्ड के चुनाव में इस आधार पर मतदान किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से दलीय नेता दलीय राजनीति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। संसद सदस्य यह समझ लेते हैं कि उनकी विजय का आधार नेता का व्यक्तित्व है और नेता ही अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो है दलीय प्रणाली का जो चुनाव है वो दो प्रभावशाली व्यक्तियों का चुनाव होता है। पांचवा देखते हैं राजनीतिक दलों की वर्गीय प्रकृति का लगभग अंत और उनका सामंजस्यकारी स्वरूप। अनुदार दल सदैव ही समाज के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग से जुड़ा एक परंपरावादी राजनीतिक दल रहा है और मजदूर दल का उदय इसी सदी के प्रारंभ में मजदूर वर्ग और समाज के निम्न वर्ग से जुड़े समाजवादी विचारधारा के रूप में हुआ था। इस दृष्टि से ब्रिटेन में राजनीतिक दलों में वर्गीय प्रकृति का भेद बतलाया जाता रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों का एक प्रमुख उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। अतः कालांतर में ब्रिटेन में राजनीतिक दलों ने अनुभव किया कि उन्हें अपनी वर्गीय प्रकृति से आगे बढ़कर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने की नीति अपनाई जानी चाहिए। इस दृष्टि से अनुदार दल ने कुछ प्रगतिशील नीतियाँ अपनाई और 1983 से लेकर अब तक विशेषतः 1992-97 के मजदूर दल ने अपनी नीतियों में बड़े परिवर्तन किए। इन वर्षों में मजदूर दल ने समाजवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने की बात जो है कही और उसके स्थान पर बाजार की ओर उन्मुख आर्थिक नीतियां स्वीकार की हैं। परिणाम स्वरूप दो प्रमुख दलों अनुदार दल और मजदूर दल में वर्गीय प्रकृति का भेद लगभग समाप्त हो गया है और आज इन दलों ने सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने की नीति को अपनाया है। निरंतर सक्रियता कि ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण विरोधी राजनीतिक दल सरकार के पतन हेतु और शासक दल सत्ता को बनाए रखने हेतु सदैव सक्रिय रहते हैं। संयम और समझौते की प्रवृत्ति। राजनीतिक दलों का जो गठन है वो ब्रिटेन में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर न होकर वो दीर्घकालिक लक्ष्यों के आधार पर होता है और राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त शासक दल इस बात को स्वीकार करता है कि विरोधी दल को शासन की आलोचना करने का अधिकार है और विरोधी दल मानता है कि बहुमत दल को जनता ने शासन करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। दोनों ही राजनीतिक दल इस बात के प्रति सचेष्ट हैं कि उनकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है।
इस प्रकार इसलिए न तो शासक दल मनमानी करता है और न ही विरोधी दल विरोध के लिए विरोध, एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहिष्णुता और समझौते की प्रवृत्ति वो अपनाते हैं। आठवां है लूट प्रथा का अभाव। लूट प्रथा क्या है? जैसे अमेरिका में ये प्रणाली पाई जाती है जिसमें चुनावों के समय में अपने जो विरोधी सदस्यों को तोड़ने के लिए उन्हें कुछ स्वार्थ लालच दिया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति जैसे किया जाता है, पहले से कार्य कर रहे पदाधिकारियों के स्थान पर उन व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है जिन्हें चुनाव के समय राष्ट्रपति को विजयी बनाने में योगदान दिया था। यह जो पद्धति अमेरिका में पाई जाती है, लेकिन ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रकार का आचरण नहीं किया जाता। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की निश्चित पद्धति है, चाहे जिस राजनीतिक दल का निर्माण की सरकार का निर्माण हो, प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से अपने पदों पर रहते हैं। ब्रिटेन की यह पद्धति अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, यानी अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव के बाद स्थायी पदाधिकारियों की एक बड़ी संख्या में जिस तरह से परिवर्तन हो जाता है कि जो चुनाव में वहाँ पे जो सहयोग करते हैं उन लोगों को लिया जाता है और स्थायी पदाधिकारियों को हटा दिया जाता है जो, लेकिन ब्रिटेन में वहाँ पे एक निश्चित पद्धति है जिसके कारण जो प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से अपनी जो है पदों पर बने रहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये ब्रिटिश जो दलीय प्रणाली की विशेषताओं को देखा और किस प्रकार यहाँ पे बहुत दल होते हुए भी द्विदलीय प्रणाली का जो है प्रभाव बना हुआ है।